हाय हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ साबूदाना की बहुत सारी रेसिपीज़, और ये रेसिपीज़ बहुत हेल्पफुल हैं। अगर आपके बेबी ने सॉलिड खाना स्टार्ट कर दिया है तो आप ये सारी रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हैं। मगर वीडियो शुरू करने के पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाना ना भूलें। सबसे पहले हमें करनी है साबूदाना की प्रिपरेशन। उसके लिए मैंने ये साबूदाना लिया है और इसको मैंने रात को अच्छे से धो लिया था, बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था, और वॉश करने के बाद मैंने इसको थोड़े से पानी में सोक करके रख दिया है। तो अब ये जो साबूदाना है ये अब बिल्कुल रेडी है। साबूदाना को आपको कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए सोक करना है। मैं ओवरनाइट करती हूँ, और साबूदाना आप बड़े वाले भी ले सकते हैं और वो छोटे वाले साबूदाना भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे बेसिक साबूदाने का वाटर। आप इसको बेसिक प्लेन साबूदाने का पानी भी बोल सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी लिया है और इसमें डाला है 1 से 2 चम्मच साबूदाना, जिसको मैंने सोक करके रख लिया था। और अब हमें इसे मीडियम टू हाई हीट में पकाना है। हमें इसे इतनी देर तक पकाना है जितनी देर में ये जो साबूदाने के ये जो दाने हैं ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। और यहाँ पर ये अब अच्छे से पक चुका है, और इसमें मैं अब डाल रही हूँ ये थोड़ा सा देसी घी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हैं। मगर जो देसी घी होता है उससे बेबी को वेट गेन करने में बहुत हेल्प मिलती है, तो ये थोड़ा सा देसी घी आपको ज़रूर डालना चाहिए। और ये अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। इसको आपको पतला ही रखना है ताकि बेबी को खाने में आसानी रहे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साबूदाने का पानी बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो आप इसको छान कर या पीस कर खिला सकते हैं, मगर मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप इसको ऐसे ही खिलाएं। इसका जो नेचुरल टेक्सचर है ये बेबी को फील करने दें, और बच्चा जो है इसको बहुत आराम से खा लेता है। नेक्स्ट, अब हम बनाएंगे ये साबूदाना डेट्स के साथ। ये भी 6 मंथ के ऊपर के बच्चे को आप दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और इसको मैं इस तरीके से ग्रेट करके पाउडर बना रही हूँ। आप चाहें तो आप इसको मिक्सी में पीस करके भी बना सकते हैं। क्योंकि ये क्वान्टिटी कम थी इसलिए मैंने इसको इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने ये बेसिक साबूदाने की रेसिपी बनाई है जो अभी मैंने बनाई थी, और इसमें मैं डाल रही हूँ ये ड्राई फ्रूट का पाउडर, और साथ में मैंने डाला है इसमें ये डेट्स की प्यूरी। डेट्स की प्यूरी बनाना बहुत इजी है। थोड़े से डेट्स को आप लेकर उसको बॉईल करके उसको मिक्सी में पीस के उसकी प्यूरी बना सकते हैं। अब मैंने इन सबको यहाँ अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसमें मैं अब डाल रही हूँ ये बारीक घिसा हुआ सेब। एप्पल की जगह आप इसमें पेयर यानी नाशपाती भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। साथ में मैंने डाला है इसमें ये 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर। ये एप्पल और सिनेमन का जो कॉम्बिनेशन होता है इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एप्पल डालने के बाद अब इसे पकाना नहीं है और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। 1 साल से छोटे बच्चे को हम नमक, चीनी या होल मिल्क नहीं देते हैं, तो ये रेसिपी बिल्कुल सेफ है। इसमें हमने डेट्स डाला है, उससे ये मिठास आ जाती है और ये बच्चे को खाने में बहुत आसानी होती है। नेक्स्ट, अब हम बनाएंगे ये साबूदाने की प्यूरी। ये भी 6 मंथ के ऊपर के बच्चे को आप दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये ब्लेंडर लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ ये पके हुए साबूदाना। ये वही बेसिक साबूदाना है जिसको मैंने पानी में पकाकर रेडी कर लिया है, और इसके साथ मैंने डाला है इसमें ये उबली हुई गाजर और 1 टुकड़ा शकरकंदी यानी कि स्वीट पोटैटो। अब हमें इन सबको ब्लेंड करके इसकी एक प्यूरी बना लेनी है। वैसे तो बेसिक साबूदाना में काफ़ी पानी होता है, फिर भी अगर आपको लगे कि इसको पीसने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसमें थोड़ा सा बॉइल्ड वाटर मिला सकते हैं। बॉइल्ड वाटर इसलिए क्योंकि अब हम आगे इसको कुक नहीं करेंगे, तो बॉइल्ड वाटर डालना ही सेफ रहेगा। और इसकी आपको प्यूरी बना लेनी है, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये आपको पतला ही रखना है ताकि जब आप बच्चे को खिलाएं तो उसको खाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट, अब हम बनाएंगे ये साबूदाने की खीर। इसको आप 1 साल से ऊपर के बच्चे को दे सकते हैं। इसके लिए मैंने साबूदाने को पानी में पहले कुक कर लिया है। पानी में साबूदाना जल्दी पक जाता है दूध के कंपैरिजन में। अब साबूदाना यहाँ पक चुका है तो मैंने इसमें डाला है ये 1 कप मिल्क, और साथ में मैं डाल रही हूँ इसमें मखाने। आप चाहें तो मखाने का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके साथ मैंने डाला है इसमें रॉ केन शुगर। अगर आपको ये नहीं डालना है तो आप नॉर्मल चीनी भी डाल सकते हैं। साथ में मैंने डाला है इसमें ड्राई फ्रूट का पाउडर और थोड़ी सी इलायची। अब हमें इन सबको बहुत अच्छे से कुक करना है। इतनी देर तक कुक करना है जितनी देर में ये जो मखाने हैं ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और ये साबूदाना बहुत अच्छे से पक जाए। अब यहाँ पर ये खीर बिल्कुल रेडी हो गई है, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये आपको पतला ही रखना है क्योंकि जब ये ठंडा होता है तो ये वैसे भी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पर ये साबूदाना सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। नेक्स्ट, अब हम बनाएंगे ये साबूदाने की खिचड़ी। और इसके लिए मैंने यहाँ पर पैन गरम किया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ ये ऑयल। आप घी भी ले सकते हैं।
और साथ में मैंने डाला है इसमें ये बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इसको सॉफ्ट होने तक पकाना है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये मिक्स वेजिटेबल्स, आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं। मैंने डाला है इसमें आलू, बीन्स, बेल पेपर और गाजर। आपको जो भी सब्ज़ियाँ इसमें डालनी हैं, ब्रोकली, पालक, गोभी, जो भी आपको अच्छी लगे वो आप डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक। बच्चे के खाने में मैं नमक बहुत कम डालती हूँ। और अब हमें इन सब्ज़ियों को बहुत अच्छे से पकाना है, तो इसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। और अब मैं इसको ढक्कन लगा कर 5 से 6 मिनट के लिए कुक करूँगी। 5 से 6 मिनट में ये सब्ज़ियाँ बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगी। और आप देख सकते हैं ये आलू मैं प्रेस कर रही हूँ, ये बहुत अच्छे से गल गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ साबूदाना। साबूदाने को मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद मैंने सबको अच्छे से मिला लिया है। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा पनीर। पनीर को मैंने बहुत अच्छे से मैश कर लिया है। ये मेरा होममेड पनीर है, आप भी ट्राई करें कि होममेड पनीर लें। आप मार्केट का भी ले सकते हैं, मगर बहुत अच्छी क्वालिटी का लें और वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने साबूदाने को ढक्कन लगाकर बहुत अच्छे से कुक कर लिया है और ये साबूदाना आप सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये खिचड़ी आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत न्यूट्रिशियस होती है, बहुत हेल्दी होती है। नेक्स्ट अब हम बनाएंगे ये साबूदाने की खीर, मगर गाजर के साथ। इसके लिए मैंने पैन में थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये जो दूध है ये पैन में चिपके ना। यहाँ पर मैंने ये 1 छोटा कप दूध लिया है और साथ में मैंने डाली है गाजर। गाजर को मैंने बहुत ही बारीक घिस लिया है। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें ये साबूदाना और चीनी। चीनी मैंने रॉ केन शुगर ली है, आप नॉर्मल चीनी भी ले सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये ड्राई फ्रूट का पाउडर। और अब मैंने सबको अच्छे से मिला लिया है और अब हमें साबूदाने को कुक करना है। नेक्स्ट मैं इसमें डालने वाली हूँ ये जायफल यानी कि नटमेग। इसको ये 1 से 2 चुटकी डालना काफ़ी रहेगा। मैंने इस तरीके से घिस के डाला है, आप क्वांटिटी देख सकते हैं। और साथ में मैं डाल रही हूँ इसमें ये इलायची का पाउडर। इन सब से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, जायफल भी बहुत अच्छा होता है बच्चे के लिए। और अब ये जो खीर है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है, साबूदाने पक चुके हैं। अब यहाँ मैंने साबूदाने को बोल में निकाल लिया है और ये जो खीर है ये बहुत यमी होती है, बहुत न्यूट्रिशियस होती है। इसको आप अपने लिए भी ट्राई करिएगा, ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट अब हम बनाएंगे ये साबूदाने का चीला। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये ब्लेंडर लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ ये साबूदाना जिसको मैंने सोख करके रखा था। और साथ में मैंने डाला है इसमें ये उबले हुए आलू और बहुत ही छोटे छोटे मैंने 3 से 4 टुकड़े डाले हैं। और साथ में मैंने डाला है इसमें ये बादाम और थोड़ा सा नमक। अगर बच्चा 1 साल से छोटा है तो आप ये नमक जो है स्किप कर सकते हैं। अब हमें इन सबको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था और पानी डाल के इसको ब्लेंड किया है और इस तरीके से पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये थोड़ा सा ओटमील का पाउडर। ओटमील का पाउडर बनाने के लिए आप ओट्स को मिक्सी में पीस के उसका पाउडर बना सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो मिक्सचर है ये अब बिल्कुल रेडी है और अब हम इसके चीला बनाएंगे। अब यहाँ पर मैंने ये पैन को मीडियम हीट में गरम किया है और थोड़ा सा बैटर डाला है और इसके मैं बहुत छोटे छोटे से क्यूट से चीला बनाने वाली हूँ। क्योंकि ये नॉनस्टिक पैन है इसलिए मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला है, आप चाहें तो आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं। अब ढक्कन लगा के मैंने चीला को दोनों तरफ से बहुत अच्छे से कुक कर लिया है और ये अब बिल्कुल रेडी है। ये जो चीला है ये आप एज अ फिंगर फूड भी दे सकते हैं बच्चे को। अगर बच्चा 1 साल से छोटा है तो आपको बस नमक नहीं डालना है और आप उसको ऐसे ही खिला सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और खाने में बहुत इजी होते हैं। इसको आप इस तरीके से दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। उम्मीद है ये सारी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।